गुड इवनिंग, ऑडिबल हो रहा है सबको? यस सर, यस सर। ओके, मैम अलाउ कर दिया हूँ आपको, यू कैन ट्राई नाउ। हेलो मैम, ऑडियो बोल रहा है? हाँ हो रहा है, शेयर कर रही हूँ उसको। ओके, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ मैम। ओके, मेरी कॉपी दिखाई दे रही है? आज हम लोग सम्स एंड इट्स फॉर्मूला करेंगे। सो हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है नेचुरल नंबर का। हम लोग का अगर कोई क्वेश्चन पूछा होगा कोई नेचुरल नंबर का सम ढूंढो, तो हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला ये होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सेकेंड फॉर्मूले में जाएंगे तो ये है हमारा इवन नंबर्स के सम। अगर हम लोग को क्वेश्चन में इवन नंबर के सम ढूंढने के लिए बोले होंगे तो हम लोग ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड अगर थर्ड का होगा तो ऑड नंबर। वैसे ही अगर तुम लोग का नेचुरल नंबर के स्क्वायर का बोला होगा तो हम लोग ये फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये नोटेड डाउन कर दो फॉर्मूलाज। एंड ये थर्ड वाला भी वही, अगर हम लोग का क्यूब होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, जल्दी से नोट आउट कर दो। मैम लिख रही हूँ। बाकियों का हो गया? हाँ मैम। यस मैम। ये हम लोग का सेकंड वाला। हम लोग का जो फर्स्ट वाला देख रहे हो वो है हम लोग का एपी। जो फर्स्ट दो पॉइंट है एपी, एपी तो पढ़ा होगा सब लोगों ने, एपी क्या होता है। हम लोग का फर्स्ट एपी का फॉर्मूला जो है सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का हम लोग टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी लेते हैं। ये हम लोग नॉर्मल जनरल टर्म है। अगर सम पूछा होगा तो हम लोग का एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर एन बाई टू
ए प्लस एल। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है ना? मैम ऑडिबल क्लियर हो रहा है, वीडियो में थोड़ा इशू हो रहा है, मींस नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा वीडियो में। ज़ूम कर रही हूँ। अब दिख रहा है? यस मैम बेटर। बाकियों को रियलमी सिक्स तुम्हें आ रहा है क्लियर वीडियो? तो ये है हम लोग का वेट थोड़ा मैम, नेक्स्ट बस जो भी मींस ज्वाइन करेगा अपना मींस खुद का नाम रखना ओके। ये है हम लोग का एपी का फॉर्मूला, ये तो नॉर्मली पता होगा। नेक्स्ट है वो लोग तो तुम लोग पढ़े नहीं हो, वो 11th 12th में है जो साइंस लिए है उन लोग को पता है, वो है जीपी। ठीक है, जीपी का फर्स्ट फॉर्मूला है हम लोग का पी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ओके, हम लोग का जो थर्ड बिट देख सकते हो, अगर उस सीरीज में होगा तो हम लोग का टी एन ये हो जाएगा। ओके, अगर सम पूछा होगा तो एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर। अगर आर तुम लोग का छोटा होगा वन से तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, अगर आर तुम लोग का बड़ा होगा तो ए आर टू द पावर एन माइनस बाय आर माइनस वन। अगर आर बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। समझ आया? तुम लोग स्क्रीन उस पीडीएफ में भी देख सकते हो, वहां पर भी लिखा हुआ है अगर मेरा कॉपी क्लियर नहीं दिख रहा है तो। अगर तुम्हारा और एक भी फॉर्मूला है, अगर आर तुम्हारा इन्फिनिटी में होगा तो तुम्हारा फॉर्मूला, अगर सम इन्फिनिटी में होगा तो ए बाय वन माइनस आर। ओके, जो पिछले बार बोला गया था वो कंटिन्यू करते हैं। सब अपना वीडियो ऑन करो, वॉइस कम ऑन करो। हेलो, यस सर, वीडियो कम सब ऑन करो। ऑलरेडी हम लास्ट टाइम बोल दिए थे कि वैसे ही बैठने जगह पे जाएंगे। साक्षी, उत्कृष्टा, गौतम, रेडमी जो है सब ऑन करो। एज की कुछ इश्यू है तो बोलो, इश्यू है तो बोलो, नहीं तो ऑन करो। ओके, गौतम ऑन कर लिया। रेडमी, साक्षी, उत्कृष्ट, कुछ इश्यू है आपका, कुछ प्रॉब्लम? ओके, साक्षी और उत्कृष्ट,
ओके कंटिन्यू करो, मैं ऑन कर देता हूं रिप्लाई नहीं कर रहा। नॉर्मली तुम्हारे ये फॉर्मूलाज बहुत रेयरली आते हैं, तो बेसिकली इसको इतना मत ध्यान रखो, पर याद रखे रहना इफ एग्जाम में आ गए तो इसको इतना ध्यान में मत रखना। ये वाले फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट है, ये दोनों, तो इन दोनों को याद रखना। और पिछले वाला जो था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो याद रखना है, उनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं तुम लोग। अभी क्वेश्चंस पे जाते हैं, ये तुम लोग कल फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने फॉर्मूला तो बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हमें भी और किसी को नहीं है तो हाँ, साक्षी और अथर्व। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 to the power 2, 1 to the power 2 प्लस 2 to the power 2 प्लस 3 2 एंड सो ऑन, 5 into 2 to the power 2 इज इक्वल टू एन दिया गया है। तो हम लोग, ये तुम लोग का कौन सा फॉर्मूला आ रहा है बोलो? जीपी। जीपी कहाँ से आ गया? जीपी का फॉर्मूला लिखे हो ना? जीपी का अगर तुम लोग का ए ऐसा सीरीज में होगा तो तुम लोग ये यूज करोगे। ओके, तुम लोग का यहाँ पर वो सीरीज नहीं है। ये देखो, तुम लोग का फर्स्ट वाला जो था द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये वाला उसी फॉर्मूला से होगा। ओके, एन प्लस एन बाय 6, ये फॉर्मूले में होगा। ओके, समझ आया? ओके मैम। ओके, एक काम कर सकते हैं, इसका जो सेकेंड में दिया है 2 to the power 2 प्लस 4 to the power 2 प्लस 6 to the power 2 सो ऑन, 1024 to the power 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला देखो कॉमन क्या आ रहा है। मैम वीडियो ब्लर हो रही है तुम्हारा, अगर कॉम अभी दिख रहा है? यस मैम, बेटर। ये वाला और ये वाला देखो, अगर हम लोग 2 निकाल देंगे तो समझ में, 2 to the power 2 निकालेंगे तो बस 2 नहीं, तो हम लोग का यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हम लोग का यहाँ पर चला आएगा तो 4n। ओके मैम। ओके मैम, नेक्स्ट वाले का आंसर 416 है क्या सर? मैम 360 आ रहा है मेरा। किसमें?
17? हाँ मैम 360. किसका? मैम मेरा 416 आ रहा है. वेट करो थोड़ा मैम, डिसमेंट हो गया. कितना? 360. और 360 और किसका कितना आया? मैम मेरा 416 आ रहा है. कौन सा फॉर्मूला यूज किए? मैम पहले तो एपी से मैंने एन निकाल दिया एंड फिर एसएन से मैंने फॉर्मूला लिखा एन बाय टू ए प्लस एल. आपको बोला है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव, तो एपी का सम एसएन वाला फॉर्मूला पुट करना है. एपी से एपी का एसएन वाला फॉर्मूला पुट करना है. आंसर क्या है मैम? मैम बट उससे तुम्हारा कोई बोला होगा सम आंसर क्या एन. क्या अभी लीव करके फिर से रिजाइन कर देता है?